सारी गैंग एक साथ इकट्ठा हो चुकी है मैं मुंबई से जाके आने के बाद, और आपने ये टीम बहुत दिन के बाद देखी होगी। ये हम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग, आई होप सब बड़े हो गए, बड़े रहना। सो दोस्तों, आज की सुबह स्टार्ट हो रही है गुजरात से, मेरे घर से, और कल तो मैं आ गया था मुंबई से। बाकी यार आज तो संडे, क्योंकि कल सैटरडे था तो मैं निकल गया था ऐसे। और बाकी देखते यार आज संडे आज क्या है क्या नहीं, कुछ प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पे था तो यार कहीं पे भी चले जाता था। यहाँ पे जब से आई हूँ सुबह से ऐसे ही घर में बैठा हुआ हूँ, तो मैं सोचा कि चलो अभी से ही जो है हम व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी आज का पूरा दिन हमें जो है कवर अप करना है, और बाकी आज का संडे, और कल से ना मंडे, तो मंडे से तो हमारी कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। बट कोई ना, आज का दिन संडे है तो आज का दिन लास्ट डे एंजॉय करने के लिए, फिर कल से हमारी वही डेली रूटीन स्टार्ट। तो गाइस, बज रहे अभी दोपहर के 2, और साथ ही साथ यार आज तो मैं भूल ही गया था कि यार आज हमारा फाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। तो यार क्या ही, मतलब स्टार्ट हो चुका है अभी फिलहाल के लिए, और बस आज होप करते हैं यार कि आज इंडिया जीत जाए, बस इंडिया जीत जाए यार, दिल खुश हो जाएगा। तो कोई ना, अभी ये चालू है तो पूरा दिन दोपहर से शाम तक यही देखेंगे। गया था टेरिस पे और सनसेट का टाइम भी हो रहा था, और आज था संडे, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो आ जाता हूँ टेरिस पे और मस्त सनसेट वगैरह देखूंगा और मस्त एंजॉय करूंगा, क्योंकि आज तो संडे है, कहीं जा तो सकते नहीं है, ऊपर से क्या ही बताए। और मेरे पास ना अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन की टिकट अभी भी पड़ी हुई है ना। और बाकी आगे आप देख सकते हैं सनसेट वगैरह का पॉइंट जो कि यहाँ पे है। टिकट अभी भी पड़ी है मेरे पास लोकल ट्रेन की, जो कि मामा के साथ में निकला था बोरीवली, और फिर जो हमने टिकट वगैरह निकलवाई थी वही टिकट है। और कल घूमे थे यार, लास्ट डे था तो कल मैं और मामा वगैरह घूमे थे, फिर वापस से मैं जो स्टेशन पहुँच के वही स्टेशन से फिर आ गया गुजरात। बाकी मज़ा यार नेक्स्ट लेवल आ रहा था, और 8 दिन का वेकेशन था मेरा तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाकी मैं गया था काम के लिए और रुक गया यार, बाकी टिकट वगैरह भी नहीं मिल रही थी, बट ये तो बाल मिल गई टिकट, तो काम हो गया अपना। कोई ना, चलते रहते यार। और सनसेट भी होने वाला है, शायद से हो चुका है, आपको यार नहीं दिखेगा बट हो गया है सनसेट, थोड़ा बहुत बाकी है। और अभी मतलब ना एक चीज़ और है कि 6:30 बजे बाद, ठीक है, 6:30 बजे बाद यहाँ पे ना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, तो 6:30 बजे बाद ना यहाँ से फ्लाइट वगैरह निकलती है। तो फ्लाइट जो है, जो एरोप्लेन रहता है ना, वो एकदम नीचे रहता है, तो देखने का मज़ा ही कुछ नेक्स्ट लेवल है। तो कभी यार मैं सनसेट देखने के लिए भी आ जाता हूँ, और साथ ही साथ ना मैं ये फ्लाइट वगैरह भी देखने के लिए आ जाता हूँ। यार अपन तो जा नहीं सकते, लेकिन देखते हुए सुकून ज़रूर मिलता है। और बाकी यार आप लोग यार सपोर्ट कर दिया करो, और तो कोई बात नहीं है यार, आजकल आपका सपोर्ट ना बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, बस ऐसे ही प्यार और ऐसे सपोर्ट कर दिया करो। और कल से तो कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो रही है, तो कल से जो काम पे थे वही काम पे वापस से लग जाना है हमें। तो गाइस, हमारे छोटे भाई यहाँ पे रात इतनी शाम में क्या पता क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं। पूरा दिन शाम होती नहीं है और टेरिस पे आता नहीं है, और अभी और एक बंदा वो आया कि नहीं, किधर है, तो बुला लो उसको भी ऊपर, बुला लो ना उसको भी, आएगा वो भी, आई थिंक सो आएगा अभी, क्योंकि वो भी ना यार पूरे टाइम से, मतलब समझ रहे हो, पुराने टाइम से हमारे साथ है, व्लॉगिंग वगैरह में करता है हमारे साथ, व्लॉग भी हमारे साथ बनाता है और हमारे साथ मजाक मस्ती भी करता है। और ये लो इसको चिढ़ा रहा है, देखो चिढ़ा रहा है। और ये गाँव की बात तो अलग ही है गाइस, क्या ही बताइए, देखो पंछी वगैरह उड़ रहे है, और गाँव की बात तो एकदम अलग ही है। बाकी कोई ना यार, शाम में जो टेरिस पे बैठने का मज़ा है ना गांव में, वो यार बताऊँ मैं आपको तो सिटी में भी नहीं है। जो मज़ा गांव में है ना शाम में बैठ के चाय पीने का टेरिस पे ये टाइम पे, वो बात ही अलग है, समझ रहे हो आप लोग। आज कितना कुछ करने के बाद आ गए वापस से पैकेट लेके, हैं जब भी देखो पैकेट तो होता ही है आपके पास, हैं पैकेट तो होता ही होता है, ऐसा क्यों, मजा आता है खाने में, मजा आता है पैकेट खाने में, इतना भी अच्छा नहीं है पैकेट, इतना भी अच्छा नहीं है। तुम कौन, देखो गाइस यार मेरे को तो खाने मिलता है, मैं खाता भी हूँ,
लेकिन ये भाई को ना यार समझ में नहीं आता ये क्यों इतना सब खाते रहते है। मेरे को क्यों मार रहे, मैंने क्या गलती की है? अरे ये क्या, बताओ बताओ। कुछ नहीं, नहीं बताओ क्या हुआ बताओ। जब भी तुम व्लॉग में तो खाते ही रहते हैं। इतना भी ये पैकेट वगैरह अच्छा नहीं है, लेकिन ये समझने को तैयार ही नहीं है। देख रहे हो भाई, अब मत खाया करो। ए क्या हुआ क्या हुआ, आप बोलो बोलो बोलो, कहाँ जा रहे हो बोलो। इतने दिन से, चलो मैं इतने दिन नहीं था तो तुमने शायद कितनी भी खा ली होगी। और ये देखो मुंबई की टिकट, लोकल ट्रेन की टिकट है, लोकल ट्रेन की। मैं क्या करूँ, फाड़ दूँ। अब तो ट्रैवलिंग तो होगी, अब क्या काम का है? तो क्या हुआ, दोनों में से किसी के काम की नहीं है, दोनों में से किसी के काम की नहीं है। टिकट मेरे को लाओ। गाइस सारी की सारी गैंग एक साथ इकट्ठा हो चुकी है मैं मुंबई से जाके आने के बाद। और आपने ये टीम बहुत दिन के बाद देखी होगी, ये हमारे घर की और हमारी गली की जो है छोटी गैंग, समझ लो आप छोटे बच्चों की गैंग, जो कि हमारे घर के पास खेलती रहती है और मजे करती रहती है। तो आपको ना आज मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ वापस से। ये है अतिक परमार, ठीक है, वो उसके पीछे जो खड़ा है उसका नाम है जिदान कलाड़िया, लेकिन हम उसको प्यार से बोलते हैं छोटू। इसका नाम है खालिद मुल्तानी और इसको हम प्यार से बुलाते हैं डाडा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों और मैं चार, ठीक है, हम चारों एक साथ यूट्यूब पे मतलब वीडियोस वगैरह बनाते रहते थे और मस्त अपना जो है एंजॉयमेंट करते रहते थे टेरिस पे। लेकिन अभी ना मैं कॉलेज वगैरह जाने लग गया हूँ, छोटू वगैरह भी काम पे जाता है और ये भाई साहब भी अपने डैडी के साथ हेल्प में जाते हैं, तो हम तीनों में से कोई फ्री नहीं रहते। और ये भाई साहब ये फ्री रहते हैं। छोटू क्या हुआ, लाओ घड़ी। ओ भाई साहब, छोटू के पास घड़ी, देख रहे हो कितने की लिए छोटू? 553 है। क्या बात है यार, है छोटू भी आजकल यार घड़ी वगैरह पहनने लगा है। 553 टाइम हो रहा अभी, वापस से सिटी बाजी स्टार्ट कर दिया इसने, कोई बात नहीं। और ये घड़ी छोटू की। गाइस बज रहे भी रात के 9 और मैं आगे से टेस्ट पेशेंट चेक, खाना पीना वगैरह सब कुछ हो चुका है रेडी कंप्लीट। तो आज के लिए इतने होप सो करती है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मजेदार व्लॉग के साथ, टिल देयर बाय बाय, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।